ओके लास्ट लेक्चर हमने क्या सीखा भाई, ए और एन का यूज कहाँ करना है, ठीक है। अब आज ये सीखना है कि ए और एन कहाँ नहीं लग सकते हैं, कहाँ उनका यूज हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती से भी नहीं। जबकि हमारी मिस्टेक्स वही होती है कि हम हर कहीं लगा देते हैं जब कोई एक चीज दिखाई देती है, लेकिन कुछ जगह कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो हमको ए और एन का यूज करने से रोकते हैं। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं जो हमको ए और एन का यूज करने से रोकते हैं, तो वो अपने यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नो यूज ऑफ ए और एन, कि इनका यूज हमको कहाँ नहीं करना है, खास ये अपने को ध्यान में रखना है। ओके नंबर वन यूज क्या भाई, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए और एन का उपयोग किया जाता नहीं है। अब प्रॉपर नाउन क्या होती है, किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम, किसी विशिष्ट स्थान का नाम और किसी विशिष्ट वस्तु का नाम। अगर इन तीनों चीजों को हम देखा जाए, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, इन तीनों के नाम के पहले क्या होता है भाई, द लगता है या तो नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लिखता, ऐसा हो सकता है। बट ए और एन का उपयोग गलती से भी नहीं करना है हमको, किसके आगे, प्रॉपर नाउन के पहले, ठीक है। ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर एक प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का उपयोग नहीं किया जाता, ये हमको खास ध्यान रखना है। जैसे कि हमने बात करें ए पटना, हमने लिख दिया पटना, तो क्या शहर का नाम क्या ए आएगा, नहीं वो गलत हो गया, पटना डायरेक्ट आएगा, पटना इज द कैपिटल ऑफ व्हाट, पटना का की राजधानी है बिहार की, याद है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये एग्जांपल लिया, अगर क्वेश्चन के अंदर पटना की जगह क्या लगा देते हैं ए, जो कॉमन मिस्टेक्स हमारी वहां होती है कि ए पटना, होता नहीं होता ऐसा। तो इस तरह का हमको ध्यान में रखना है कि इसका यूज वहां पर नहीं होता है, कहां पर भाई, प्रॉपर नाउन है पटना, प्रॉपर नाउन है बिहार, दोनों ही प्लेस के नाम है और दोनों ही विशिष्ट स्थान है कि नहीं है। तो दोनों ही जो है प्रॉपर नाउन, उनके आगे हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है, प्रॉपर नाउन के पहले या तो द लगता है या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। मोस्टली हमको ये ध्यान रखना किसी व्यक्ति और स्थान के नाम के आगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, हाँ वस्तुओं के आगे द आ सकता है, स्थान के आगे द पटना नहीं आएगा, अहमदाबाद नहीं आएगा, द गुजरात नहीं आएगा, कहीं ऐसा आपने लिख दिया जाए। तो ये खास हमको ध्यान रखना है क्या, कि प्रॉपर नाउन में एक व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम, इन दोनों के पहले कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं किया जाता। जब मैं नो आर्टिकल के रूल्स लिखाऊंगा तब भी ये नियम वापस रिपीट होगा, नो आर्टिकल में लिखू कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, मैंने बोला चौथा भी आर्टिकल होता है, तो चौथा आर्टिकल इंग्लिश में क्रॉस, जहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता वहाँ ये रूल रिपीट होगा, तो वहाँ तक का हमको वेट करना है, ठीक है। नाउ रूल नंबर टू, इसका यूज और कहाँ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले, मैंने कल बताया था जब इसके यूज लिखाए थे कि ए और एन का उपयोग हमेशा किसके पहले किया जाता है, काउंटेबल नाउन के पहले। काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सके, और गिना जा सके में भी कैसी, सिंगुलर के पहले, एक वचन वाली होंगी नाउ उन्हीं के पहले, बहुवचन वाली नाम के पहले ए और एन नहीं लगेगी, क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है, और एक मतलब क्या हुआ, एक वचन हुआ कि नहीं, सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, तो वहां पर क्या लगेगा ए और एन का, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले। बट मैं बोल रहा हूँ अनकाउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल कोई भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना है, ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर अकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ओके ए और एन इज नॉट यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, कोई एक अनकाउंटेबल नाउन होगी उसके पहले हम क्या यूज नहीं करेंगे,
एग्जाम्पल कौन बताएगा इसका? चलो एग्जाम्पल कौन बताएगा? ए मिल इज यूजफुल, देख ऐसा लिखोगे क्या? अगर ऐसा लिखा तो ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो गया। ए मिल्क नहीं, ओनली मिल्क आएगा, ए रॉन्ग है। हमारी आदत पड़ी होती है तो हम कभी कभी लिख देते हैं, जैसे कल बोला था एक सेंटेंस, ए ऑरेंज जूस, ए एन एन ऑरेंज जूस, प्राची ड्रिंक्स एंड ऑरेंज जूस, ऐसा बोला था बेटा। मैंने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो नहीं, हाँ अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो उसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ सेंटेंस को अगर दूसरी तरह से लिखना चाहूँ क्या लिखेंगे भाई? प्राची ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया और मैंने यूज भी कर लिया क्या? ए, बट मैंने मिल्क के लिए नहीं यूज किया, अनकाउंटेबल नाम के लिए यूज नहीं किया, मैंने तो किसके लिए यूज किया भाई? ग्लास के लिए यूज किया है कि एक ग्लास, और ग्लास तो कैसा है? काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है कि नहीं है? तो वहां यूज किया जा सकता है, लेकिन पीछे अगर क्या हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ अगर इसके पहले यूज किया जाता है मिल्क तो ऐसा कोई होने का, डायरेक्टली अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रही है तो उसके पहले इसका उपयोग किया जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन में कौन सा होता है दो बताए थे मैंने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये अनकाउंटेबल है, बट मटेरियल नाउन है वो मेजरेबल होती है। क्या होती है? मेजरेबल होती है, तो मेजरमेंट उनका किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने कल रूल बताया था कि किस तरह हो सकती है, वो भी मेजरमेंट भी करना है तो पर किस तरह से करना है, तो वो ए और एन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके रूल्स अलग थे तो हमने कल देखे। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड नंबर का रूल, ठीक है? सिंपल, बहुवचन के पहले तो यूज कभी नहीं हो सकता, तो वो भी लिख देना, ए और एन इज नॉट यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। बहुवचन संज्ञा हो अगर कोई तो उसके पहले ए और एन का उपयोग किया जा सकता नहीं है। जैसे लिखे ए गर्ल्स, होती है कभी कभी स्पीकिंग में, जब हम स्टार्टिंग में होते हैं तो कभी कभी ऐसी गलतियाँ होती रहती है वहाँ पर, तो इनको सुधारने के लिए रूल्स तो पता होने चाहिए। जब रूल्स ही नहीं पता हो तो ऐसी कॉमन मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन रूल्स तो सीखना जरूरी है तो हम इस तरह की गलतियों को ढूंढ पाएंगे। जब तक गलती नहीं ढूंढोगे तो सुधारोगे कैसे? पता ही नहीं होगा कि सही है कि नहीं है, तो सुधरेगी वो भूल? भूल सुधरने के लिए क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि हमारी भूल कहाँ है और ये क्यों है, तो उसका नियम हमारे पास। तो लिखना है ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर ए प्लूरल नाउन। प्लूरल मतलब प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा के पहले हम ए का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन गलत लिख रहा हूँ, ए गर्ल्स, ठीक है? अब यहाँ मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई? उपयोग नहीं कर सकता, ये क्या है? गलत कर दिया। लेकिन मेरे को अब इसको बहुवचन के साथ उपयोग करना है तो कैसे? दूसरी तरह से बता रहा हूँ, ए गैंग ऑफ गर्ल्स, ए गैंग ऑफ गर्ल्स वॉज स्टैंडिंग नियर द शॉपिंग मॉल। अब यहाँ मैंने यूज किया पीछे गर्ल्स है तो भी, बट मेरे को से मतलब नहीं है, मैंने यहाँ कौन सी नाउन यूज किया? कलेक्टिव नाउन। यहाँ भी मैंने कलेक्टिव नाउन यूज की थी, कौन सी थी? तो वहां चल गया तो यहाँ भी चलेगा, क्योंकि मेरे को तो गैंग से मतलब है। अब गैंग हो तो वहां पर क्या होगा? ए गैंग, लड़कियों की एक गैंग थे, उसमें लड़कियां तो ज्यादा होंगी ना। इस तरह से बहुवचन उपयोग किया जा सकता है, बट डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज। ओके, ए और एन, गर्ल्स के आगे डायरेक्ट लगा दिया है, बॉयज के आगे डायरेक्ट लगा दिया है, ठीक है? बेल, ऑक्सन, ऑक्सन क्या है सुना ना? ऑक्स का बहुवचन,
ऑक्सन होता है। दिव्या आर यू स्लीपिंग? ओके आया समझ में? अगर ये कलेक्टिव नाउन के रूप में आता है, अगर ये कलेक्टिव नाउन के रूप में आता है तो हम उसके आगे ए लगा सकते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग हमारा यहाँ से डिपेंड करेगा। कलेक्टिव नाउन का जो फर्स्ट वर्ड है वो हमको बहुत सारे नाम को एक स्वरूप में ला के रख देता है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आया ए, ए हार्ड ऑफ एलिफेंट्स, बहुत सारे हाथियों का झुंड। ओके, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी होंगे उनके अंदर एक पूरी फ्लाइट एक साथ में चल रहे हैं वो, तो उसको भी क्या बोलते हैं? सिंगल है, तब यूज किया जा सकता है कलेक्टिव नाउन के पहले। बट डायरेक्टली अगर कोई प्लूरल नाउन के पहले बोल दिया जाए ए बर्ड्स, इट नेवर यूज। ओके, उनका उपयोग हम कर सकते हैं नहीं है। अब नियम नंबर चार पर करते हैं। ये छोटे छोटे से मेरा नियम है, गलतियां होने के चांसेस यहीं से होते हैं, इसलिए मैं पहले इनको निकाल रहा हूँ। यस, अच्छा ए का लिखा है, ऐसे एन का लिखा है, कोई बात नहीं, मैं बता ही रहा हूँ। मैंने अभी बोला तो था ऑक्सन, ऑक्सन नहीं यूज हो सकता ना, ऑक्सन हो सकता है क्या? बिल्कुल गलत है। ऑक्सन बहुवचन है, किसका? ऑक्स का, बैल का। बैल का बहुवचन क्या होता है भाई? ऑक्स का। ऑक्सन होता है बहुवचन, तो वहां हम इसका उपयोग नहीं कर सकते एन का, हमको ये यूज करना है। इसकी जगह एन वाला कोई सेंटेंस देखना है तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ओके, तो वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। दूसरा चलो मैं सेंटेंस भी बना देता हूँ उसके ऊपर से। There was an army of soldiers. देखो एन आ गया, an army of soldiers. Near the पार्लियामेंट। कोई मंत्री बड़ा विजिट कर रहा हो संसद के अंदर, तो या फिर पीएम संसद महोत्सव हो, उस टाइम पे तो क्या लगा होता है? मोस्टली आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिक ही सैनिक होते। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? ओके, देयर वाज एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स नियर द पार्लियामेंट, बहुत सारे सैनिकों की आर्मी है वो पूरी वहाँ पर लगा दी गई थी। अब क्यों लगाई थी उसका कारण वो जाना, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम अभी फिर से हमको क्या सीखना है, कोई कारण में नहीं उतरना हमको, हमको यह देखना है आर्मी, आर्मी के पहले क्या आया एंड, क्यों आया टू, किस स्वर से उच्चारण हो रहा आर्मी का, किससे उच्चारण हो रहा है? हिंदी वर्णमाला के स्वर से उच्चारण हो रहा एन आर्मी। ओके, चले आगे। नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं, फोर्थ नंबर का रूल क्या बोलता है? तो फोर्थ नंबर के रूल्स के लिए कि फूड आइटम होती है हमारी, क्या होती है? फूड आइटम्स होती है, उनके पहले डायरेक्टली ए और एन का उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई बीच में एग्जेक्टिव आ जाता है तो आ सकता है, डायरेक्टली उपयोग नहीं होगा। लेकिन बीच में अगर कोई एग्जेक्टिव आ गया तो एन का, सॉरी ए और एन का उपयोग किया जा सकता है एग्जेक्टिव के साथ में, पर डायरेक्टली कोई भी एग्जेक्टिव का उपयोग किया जाएगा। मैं मिस्टर हमारे इसके उतारने की जल्दी है क्या? एग्जाम्पल बोलो भाई फूड आइटम्स के, तुम लोगों को ज्यादा है वो तो बेटा, वो कह रहा है छोड़ जाएगा। डायरेक्टली लंच आ सकता है, लेकिन आर्टिकल ए और एन में से उपयोग होगा, नहीं इवन द भी यूज नहीं होगा। ओके, हम ए कैसे यूज कर सकते? ए ही होता है, नहीं कहीं भी यूज नहीं होगा।
हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव योर ए ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, इन सब के आगे उपयोग होगा नहीं किसका, ये भी तो भोजन का समय है और है फूड आइटम्स में ये सब चीजें होंगी। और दूसरा कोई एग्जांपल लेना है तो देखो एग्जांपल में आर्टिकल कैसे यूज किया जा सकता है वो देखना है। शी सर्व्ड मी ए गुजराती थाली, ये हो गया। देखो मैंने आगे क्या लगा दिया, गुजराती वर्ड एग्जेक्टिव लगा दिया, उसने मुझे गुजराती थाली सर्व की, शी सर्व्ड मी परोसी, ठीक है। तो शी सर्व्ड मी ए गुजराती थाली, एग्जेक्टिव के साथ में आर्टिकल उपयोग किया जा सकता है, बट विदाउट एन एग्जेक्टिव ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर फूड आइटम्स, अंडरस्टैंड, विदाउट एन एग्जेक्टिव ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर फूड आइटम्स। और टाइमिंग, अगर हम फूड की बात करते हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले भी ए और एन का उपयोग किया जाएगा, इवन द का भी नहीं, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता वहाँ, नियम को ध्यान रखना है। नो आर्टिकल लिखाऊंगा तो मैं उस नियम को वापस रिपीट करवाऊंगा। क्या याद रखना है हमने को इनके आगे, तो मैं लिख रहा हूँ फोर्थ नंबर, ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर फूड आइटम्स और व्हाट टाइमिंग्स विदाउट एन एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव के बिना इनका ए और एन का उपयोग नहीं किया जा सकता, अगर एग्जेक्टिव है तो हम ए और एन या था कुछ भी यूज कर सकते जो भी लगता होगा नियम से, लेकिन डायरेक्टली अकेला विदाउट एन एग्जेक्टिव ए और एन यूज होगा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, My friend invited me on a dinner. अब ये सही है गलत है भाई? गलत है, मैंने बोला on dinner लिख सकते हो but on a dinner नहीं, okay? On a dinner नहीं होगा वहाँ पर, वो directly क्या लिखना पड़ेगा on dinner या तो for dinner, my friend invited me for dinner या तो on dinner, ठीक है। अब यूज कैसे किया जा सकता है एग्जेक्टिव के साथ वो बता रहा हूं। सी सर्व मी ए गुजराती थाली, तो देखो मैंने एग्जेक्टिव यूज कर लिया, थाली के पहले क्या यूज कर लिया भाई, थाली क्या फूड आइटम में आ जाता है पूरी थाली, लेकिन अब यहाँ क्या है एग्जेक्टिव है तो ए कम्प्लीटली राइट है, वहां कोई मिस्टेक नहीं है। बोलो कैसा, अभी तो मना किया था, मैंने बोला एग्जेक्टिव अगर साथ में हो तो हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, विदाउट एन एग्जेक्टिव वी कैन नॉट यूज व्हाट आर्टिकल, ओके, ए और द। ये हमारा फोर नेम कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पहले हम किसको यूज नहीं कर सकते हैं, ए और एन को, हाँ एग्जेक्टिव के बाद में कोई नाउन होना चाहिए तो यूज होगा, अगर कोई विशेषण दिया विशेषण के एग्जेक्टिव के बाद में अगर कोई नाउन है तो ए और एन यूज हो सकता है, बट ओनली एग्जेक्टिव दे दिया। मैंने इससे पहले फर्स्ट डे बताया था एच ओ एन ई एस टी, सबने बोला था क्या आएगा भाई एन आएगा, बट मैंने बोला अगर इसके पीछे कुछ और नहीं है बॉय गर्ल मैन तब तक इसका उपयोग किया जा सकता नहीं है, अगर ये है
तो ये भी राइट है, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है। अंडरस्टैंड? सिंगल ओनली एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का कोई यूज होगा नहीं, ओनली एडजेक्टिव हो तो। लेकिन एडजेक्टिव हमेशा ध्यान रखना नाउन को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? नाउन को फॉलो करता है। तो नाउन अगर होगी पीछे तो ए और एंड यूज किया जा सकता है, बट ओनली एडजेक्टिव इज गिवन देयर देन यू हैव टू नॉट टू यूज व्हाट एंड ए और एंड आर्टिकल, इवन दो भी यूज नहीं होगा। ठीक है, नाउन होना कंपलसरी है पीछे तो हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे। किसी ने बोला था कल एक और एग्जाम्पल, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट सिटी। मैं बोलता हूँ अगर ये स्मार्ट ही ना हो, सॉरी ये नाउन ही ना हो आगे, ना बॉय हो, ना गर्ल हो, ना सिटी हो, ना फोन हो, तो क्या यहाँ पर ए यूज किया जा सकता है? मैं बोलूँगा गलत बात है, अगर सिटी नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। पीछे कोई ना कोई नाउन होने कंपलसरी है तो ही होगा। एग्जेक्टिव के अकेले के पहले क्या यूज नहीं किया जा सकता? आर्टिकल यूज नहीं किया जा सकता। अगर नाउन को फॉलो करता है तो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नो। ठीक है, हम नेक्स्ट बेटा सिर्फ लिखने में ध्यान रखना होता है, इसकी वजह तो ना आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रोनाउन के बाद में अगर कोई एक नाउन आती है डायरेक्टली, प्रोनाउन की डायरेक्टली बाद में अगर कोई नाउन है देखो, अगर कोई नाउन है, सॉरी पहले प्रोनाउन है और उसके बाद में डायरेक्ट कोई एक नाउन आती है तो वहाँ आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जा सकता। देखो मैं कैसे बताता हूँ, माय बुक। अब बुक के पहले मैंने कैसे कहा भाई आर्टिकल यूज किया जा सकता है, ए बुक। यानी अगर कोई पर्टिकुलर बुक की बात करनी होती तो भी मैं क्या यूज कर सकता था, वहाँ आर्टिकल यूज करता। बट अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, माय बुक है। तो यहाँ अगर कोई ऐसा बोल रहा था ए नहीं आया, देखा माई ए बुक, माई ए पेन, ओके, वहां नहीं आ सकता। प्रोनाउन के बीच में, प्रोनाउन और नाउन के बीच में अगर, और ये भी कौन सा प्रोनाउन है? यस, पॉजिटिव है, माई बुक। अधिकार जमाता किसी चीज का उसको क्या बोलते हैं? ऑनरशिप का अधिकार बताता है उसको क्या बोल सकता? पॉजिटिव होता है प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन और नाउन जो होता है उसके बीच में कभी भी ए और एन का उपयोग नहीं करना है, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर इसको दूसरी भाषा में लिख देता हूँ। ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन को फॉलो करता ही है, उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, ओके, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी भूल से भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है, क्लियर है? पहले आए तो आए, भले बाद में वो देखेंगे। ठीक है, ऐसे भी प्रोनाउन के पहले तो कभी ये आर्टिकल यूज नहीं होता, हमेशा किसके पहले होता है? नाउन के पहले। तो ये कुछ नियम थे, किस बात के नियम थे? ये भाई कि हम ए और एन का यूज कहाँ नहीं करना है वो बताने के लिए, यानी कि नो यूज ऑफ ए और एन, या भूल से भी हमको किसका यूज नहीं करना है। कितने रूल्स हुए? रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 यूज हैं, हमको जहाँ आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं करना है, इवन नो आर्टिकल यूज होगा वहाँ पर, यानी जहाँ का भी यूज नहीं किया जा सकता है।